रतलाम में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों को उनके मूल स्थानों पर पहुंचाया गया। सुबह 12 बसें इन जिलों की ओर रवाना की गई। बस स्टैंड पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया। जिला प्रशासन रतलाम द्वारा पहल करके लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों को उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। सुबह रोडवेज बस स्टैंड पर 650 ऐसे व्यक्तियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों से रवाना किया, जो वर्तमान में रतलाम में रह रहे थे और अपने घर जाना चाहते थे। इसके लिए 12 बसों की व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी बस स्टैंड पर खड़े रहकर तमाम कार्यवाही का जायजा ले रहे थे। शनिवार को रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह 9 से 10:30 के बीच 12 बसें रवाना की गई। बसों को भी सैनिटाइज किया गया था। यात्रियों के भी हाथ को सैनिटाइज करवाए गए। दूर जाने वाले यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराया गया। अपने घर जाने के इच्छुक व्यक्तियों को लेकर बसें झाबुआ, धार, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, भोपाल आदि स्थानों की ओर रवाना की गई। बस स्टैंड पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। जिला प्रशासन रतलाम द्वारा यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं निशुल्क की गई। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट।